सानी जी, आपका मछली का काटा लगा मोदी जी को, सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, लोग काम देखना चाहते हैं। पर तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। सत्ता के लिए छिड़े महासंग्राम में बिहार में वायरल वीडियो पर बवाल मचा है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी का वो वीडियो जिसमें हेलीकॉप्टर के अंदर मुकेश साहनी के साथ तेजस्वी मछली पार्टी कर रहे हैं, उस वीडियो का घमासान और बवाल अभी खत्म नहीं हुआ कि बिहार में राहुल गांधी का चुनावी दौरा चल रहा है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव बिहार में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी से सवाल पूछते हैं कि बिहार के जो नतीजे होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे। तेजस्वी कहते हैं कि बिहार चौंकाने वाला नतीजा देगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार को लेकर बिहार में तमाम नेताओं के ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है और इन रैलियों के बीच जिस तरीके से आमने सामने का मुकाबला छिड़ा है, तेजस्वी और राहुल गांधी का यह वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में तेजस्वी यादव मुकेश साहनी का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि आपके मछली का कांटा तो मोदी जी को लगा। सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को, सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं ना। क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, ये तो इनका सिस्टम यही है। बस यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, लोग काम देखना चाहते हैं। पिछले बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था, मिल के बारे में बात की, मैदा चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली बिल्कुल बिना झिझक के कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके हैं 10 साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते, 24 घंटा चलता है मीडिया पे पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया, टोटली कंट्रोल। बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं नहीं उनका कहने का मतलब कैपिटल ही हेडक्वार्टर था, एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। यानी आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस दो ही है, उससे पहले वो ओबीसी थे, इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट, जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC EBC SC NST आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया, उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो, अब तक नहीं किया, और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है, और यंगस्टर्स यूथ में बहुत ज़्यादा है, सब मीटिंग्स में बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, अब 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं, इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर ख़त्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और दो चीज़ों पर आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है, मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है।
आपके घर से ही दूध आता है भाई। राहुल जी दो बार मटन खा बता दिए। अब हमें कहलाना पड़ेगा। नाउ इट्स माय टर्न माय सिस्टर्स एंड माय टर्न टू इनवाइट देम। चले चले। ये वो वीडियो है जिसने एक बार फिर से बिहार में बीजेपी के सामने एक तरीके से कहें तो सवाल छोड़ा है कि अब बोलेंगे क्या जनाब, हमने तो बिहार में मछली वाला कांटा ही नहीं चुभाया, अब फिर पार्टियां भी की है।